हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की पहली स्टोरी है नियोमी से रिलेटेड। तो इस हफ्ते की स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन लोडाउन पर केलब ब्रैक्सटन ने नियोमी का इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू में नियोमी ने कहा कि नेक्स्ट वीक वो बेली को फेस करेंगी और इस मैच के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि वो बेली को हराकर नेक्स्ट वीमेंस चैंपियन बन सकती है। नियोमी ने कहा, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर स्मैकडाउन नेक्स्ट वीक। वे ओ मी एंड माई गुड फ्रेंड बेली, यू नो आई प्लान ऑन गिविंग हर माई बेस्ट एंड पुटिंग ऑन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मैच एंड आई डोंट नो यू माइट बी लुकिंग एट द नेक्स्ट वीमेंस चैंपियन। अगली स्टोरी है रिकीशी से रिलेटेड। तो जैसे कि हमने इस वीक के स्मैकडाउन में देखा था कि सोलो सिकोवा ने टामाटोंगा के साथ मिलकर एक नई ब्लड लाइन क्रिएट कर ली है और उन दोनों ने जिमी उसो को बहुत बुरी तरीके से मारा था और इस पर रिकीशी ने भी रिएक्ट किया है और उन्होंने लिखा है, टाइम मूव फॉरवर्ड। अगली स्टोरी है बिगी की इंजरी अपडेट से रिलेटेड। तो बिगी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा, हे ऑल, टू ईयर नेक स्कैंस आर इन, थिंग्स आर अनचेंज्ड, माय सीवन हैज हील्ड फाइब्रसली बट हैज नॉट फॉर्म न्यू बोन, आई एम नॉट मेडिकली क्लियर एंड ट्रूथफुली आई मे नेवर बी क्लियर बट आई एम ब्लेस्ड टू बी फ्री ऑफ पेन, इमेंसली हैप्पी एंड अदरवाइज हेल्थी, लाइफ इज गुड। तो बिगी ने बताया कि उनकी इंजरी को 2 साल हो चुके हैं और थिंग्स अभी भी अनचेंज्ड हैं और वो मेडिकली क्लियर नहीं है और उन्हें लगता है कि वो कभी मेडिकल क्लियर होंगे भी नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें कोई पेन नहीं है, वो बहुत ही खुश है और हेल्दी है और उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है। तो ये बात सुनकर बहुत ही शौक लगा कि बिगी शायद कभी भी रेसलिंग रिंग में रिटर्न नहीं कर पाएंगे। आई होप कि वो ठीक हो जाएं और रेसलिंग रिंग में वापस हमें देखने को मिले। अगली स्टोरी है शार्लेट फ्लेयर से रिलेटेड। रेसलमेनिया वीक में WWE वर्ल्ड पैनल पर बात करते हुए शार्लेट फ्लेयर ने कहा कि वो बियांका बेलेयर को एक बड़े स्टेज पर फेस करना चाहती है। हमें बियांका और शार्लेट के मैचेस देखने को मिल चुके हैं लेकिन कभी भी उनका मैच एक बड़े स्टेज पर नहीं हुआ और शार्लेट फ्लेयर ने टिफनी स्टैटन की भी तारीफ करते हुए कहा कि वो उन्हें भी फेस करना चाहेंगी। आई रियली वॉन्ट दैट 1-on-1 मूवमेंट विद बियांका बेलेयर, आई रियली डू, आफ्टर बियांका गिव इट फॉर टिफनी, आई कुड नॉट बी मोर प्राउड ऑफ हर, सीइंग हर वॉचिंग हर फ्रॉम होम, वॉचिंग हर इन ऑस्ट्रेलिया, शी ओन्स इट, शी इज़ गोइंग टू बी अ बिग डील, फर्स्ट बियांका एंड आई, हर हिस्ट्री, हर एथलेटिसिज्म, आई रिस्पेक्ट हर सो मच एज अ टैलेंट, बियांका इज द फर्स्ट अपोनेंट आई वुड लाइक टू हैव अ बिग स्टेडियम शो विद। अगली स्टोरी है रोमन रिंग्स से रिलेटेड। तो रेसलमेनिया 40 में अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने के बाद रोमन रिंग्स ने अपना एक्स अकाउंट का बायो चेंज कर लिया है। पहले इसमें लिखा था अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन, 8-time रेसलमेनिया मेन इवेंट, लेकिन अब रोमन रिंग्स ने इसको अपडेट कर दिया है और अब यहाँ पर लिखा है, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, 9-time रेसलमेनिया मेन इवेंट। तो वैसे आगे बढ़ते हैं आज के फाइनल स्टोरी की तरफ। आज की फाइनल स्टोरी है बेकी लिंच से रिलेटेड। तो बेकी लिंच रिसेंटली एरियल हेलवानी के शो पर आई थी और उन्होंने वहाँ पर बताया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जून में एक्सपायर होने वाला है लेकिन WWE ने उन्हें अभी तक किसी नई डील के लिए अप्रोच नहीं किया है। लेकिन इसके बाद लिंच ने कहा कि उन्हें खुद की एबिलिटी पर और खुद पर पूरा विश्वास है और उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन एक फॉर्मर WWE एम्प्लॉय ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि बेकी लिंच शायद WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। वैसे मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि बेकी WWE को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाएंगी, क्योंकि बेकी की पोजीशन WWE में बहुत अच्छी है और उनके रिलेशन भी WWE के साथ बहुत ही अच्छे हैं और नए ट्रिपल एच बेकी को WWE से जाने देंगे। और सबसे बड़ी बात, सेथ रॉलिंस को छोड़कर बेकी दूसरी कंपनी में आखिर क्यों ही जाएंगी? तो मुझे नहीं लगता कि बेकी लिंच WWE को छोड़कर कहीं भी जाने वाली है, वो ये सिर्फ एक अजम्पशन है। बाकी अगर इसके बारे में कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।